वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल और माई सेल्फ संदीप। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम ऑसुस जेनफोन मैक्स मॉडल ऑसुस Z010D को कैसे हार्ड रिसेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डिवाइस को कर लेता हूँ स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं हार्ड रिसेट करूँगा इसको। ओके वेल फ्रेंड्स, मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम डाउन और पावर का जो बटन है सेम टाइम पर प्रेस करूँगा, जिससे कि रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये रिकवरी मोड मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे आता हूँ और पावर का बटन दबा देता हूँ। यस, सारा डेटा इरेज कर देना है इसका। अब मैं इसका जो वाइप केच वाला पार्टीशन है वो भी हटा लेता हूँ, वाइप केच पार्टीशन। यस, अब मैं रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो ऑसुस जेनफोन मैक्स है मॉडल नंबर Z010D को कैसे हार्ड रिसेट करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना। और ये चालू होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि सारे जो सेटिंग्स है उनको कॉन्फ़िगरेशन करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी फ़ोन का FRP कैसे हटाते हैं, ऑसुस जेनफोन मैक्स का FRP कैसे हटाएंगे वो भी हम चेक कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वेरी मच वॉचिंग माई वीडियोज़।